का आशीर्वाद चाहिए। सबको नमस्कार है, सादर आमंत्रण है यूपी बिहार झारखंड सारे यहाँ के कलाकार को, स्वागत है हमारे चैनल में। अच्छा से अच्छा जो भी अच्छा करेगा इसमें एकदम जगह। ऐश्वर्या जी आपसे सवाल रहेगा, गाने में आपने एक्टिंग किया है, साथ ही को स्टार के तौर पे अनमोल रतन जी नजर आ रहे हैं, श्याम जी नजर आ रहे हैं, कितना अच्छा लगा था? और गाने जब आ गए मार्केट में, सुबह से प्यार मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? देखिए, कभी भी अगर नया प्रोजेक्ट आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होता है, प्रोडक्शन से लेकर के आर्टिस्ट हो या टेक्नीशियन हो या फिर टीम मेंबर में सबको बहुत खुशी होती है। एक उम्मीद रहता है, जैसा भी श्याम जी ने बोला कि पब्लिक का पसंद नापसंद वो तो प्रोजेक्ट जाने के बाद ही पता चलता है, तो बहुत खुश थे हम इनके साथ काम करके, हमारे को आर्टिस्ट बहुत कम्फर्टेबल थे और हमारे वीडियो डायरेक्टर सर बहुत अच्छे से गाने को क्या कहते हैं उसको अच्छे ढंग से सजाया है, तो बहुत कंफर्टेबल होकर हमने काम करा इनके साथ में, अपनी टीम के साथ। गाने के जो राइटर है उनसे सवाल रहेगा, काफी अपने सोच विचार के हर एक माल 20 रुपए में भी सारी चीज बेच दिया है, गाने के पीछे लिखने के मन से क्या थे आपके? कोई मन था नहीं, काफी एंटरटेनमेंट के साथ मेरा सवाल टार्जन जी से रहेगा, जिन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड किया है और साथ ही इसकी मिक्सिंग भी करी है, क्या सोचा है और गाना कितना पसंद आ रहा है और लोगों को कितना पसंद आएगा हमारे दर्शकों को? सबसे पहले ये गीत हमको बहुत पसंद है, और जब मुझे पसंद है तो और लोग को उम्मीद मुझे रहेगा कि सबको पसंद आएगा, क्योंकि एक गाने उस हिसाब से बनाया ही गया है और गाने बनाने के पीछे रीजन ये है कि फुल इंटरटेनमेंट है और आई होप कि सबको अच्छा लगे। आखिर पहला गाना लॉन्चिंग इसमें हर एक माल भी थी, क्या है ये हर एक माल भी? हर एक मालवी से फुल एंटरटेनमेंट वर्डिंग है, इसको गलत सेंस में लेंगे तो ये जरूर आपको गलत लगेगा, लेकिन अगर गाने का पूरा लाइनिंग पढ़ेंगे आप सुनेंगे तो आपको कहीं से दो अर्थ ही नहीं लगेगा, साफ तौर पर सिर्फ एक ही मीनिंग। श्याम जी से सवाल रहेगा, अभी तो आपने शुरुआत करी है और क्या आने वाले दिनों में यहाँ पे आपके चैनल पे भोजपुरी के सुपर स्टार भी देखने को मिलेंगे? सभी मिलेंगे, सुपर स्टार हो चाहे अच्छा कलाकार हो, नया भी सबको मौका मिलेगा, सुपर स्टार तो काम करवाना ही करवाना। भोजपुरी में आए दिन नई नई चैनल आती है, रिलीज होती है, गाने रिलीज होते हैं, लेकिन कभी कभी उनका पब्लिक फीडबैक अच्छा नहीं आता, तो क्या आप कुछ नयापन देने के लिए आए हैं या फिर आप भी उन्हीं की तरह चोली साया ब्लाउज वाले गाने में ही सीमित रहेंगे? वो हम दल खिचड़िया करने नहीं आए हैं, ढंग का काम करने आए हैं, हम अपना काम से पब्लिक को खुश करने का मेरा दावा है, फुल इंटरटेनमेंट करेंगे और आज आया कल जाएगा वो सब करने नहीं आया है, और ये मेरा फुल अंदर से कॉन्फिडेंस है और ऊपर वाला कृपा है कि एक दो नहीं 4-5 गाना सुनिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि हम क्या हैं नहीं हैं, बाद बाकी ज़्यादा बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सर आपका किसके साथ आ रही है, कोई भोजपुरी के सुपरस्टार या नॉर्मल न्यू स्टार के साथ? अब ऐसे की है, बगल में है स्वीटी जी, उनके साथ है और सारा जो अति आगे गाना बनेगा अभी लोग के साथ भी रहेगा, और लोग भी साथ रहेगा। और एक बार पे सर ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टार वो कब देखने को मिलेगा? कोशिश है कि बहुत जल्दी आएगा। तो हर एक माल 20 रुपए का है, इतना महंगाई बढ़ गया है, 20 रुपए में कर रहे हैं काम? 20 रुपए में इसलिए कर रहे हैं कि इंटरटेनमेंट करना है पब्लिक को। अब 20 रुपए हर किसी के पास आसानी से मिल जाता है, 500 का नोट हर किसी के पास मिले या न मिले 20 रुपया हर किसी के पास मिल जाता है, इसलिए आमतौर पे बोला जाता है कि 20 रुपया रेट है तो बोल दिया गया। सिंगर साहब दो लाइन हो जाए इसके बाद हम आमतौर पर गवर्नमेंट राशन दे रही है इस गीत का, मतलब गायक कोई और है लेकिन ये कंपोजिशन हम लोगों ने किया तो मैं दो लाइन गा दे रहा हूँ। हर नाचे तू आइल बाड़ू का के साटा भूख हो, लइकन जवान सबके कदा न खुश हो, अरे बोला ना का बाबे फीस के, अरे ले लाए बाबू हर एक माल 20 के, ले लाए बाबू हर एक माल 20 के। गाने के माध्यम से हर एक माल 20 को क्या बेचने की कोशिश किया जा रहा है? इसमें आप इंटरटेनमेंट बेचा गया है, इसमें कोई सामान और कोई चीजें वस्तु नहीं बेचा। शाहरुख खान जी हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे भोजपुरी गाने जिस तरह से लगातार आपने शबाब पे है, अच्छे गाने अच्छे कंटेंट पे काम किए जा रहे हैं और आप भी भोजपुरी के हमेशा से ही अच्छे गानों के प्रति दिखे गए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इसकी ग्राफ बढ़ रही है भोजपुरी को लेवल मिलेगा, वो ब्रांड मिलेगा और एक दिन वो भी भोजपुरी अपने शबाब पे होगी और लोग इसके पीछे भागेंगे? सबसे पहले चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा आदर प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान एक्टर और बॉलीवुड।
जिस तरह से आपने सवाल किया था कि आगे क्या रंग लाएगी, जिस तरह से लोग जो है ना गाने को सिंगिंग कर रहे हैं और गा रहे हैं, तो यहाँ तक ये डेवलपमेंट करेगी भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी। तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि अब तक जो हम भोजपुरी कलाकार यानी कि जो सिंगर हमारे भोजपुरी में है, देवी जी हो गई और एक कल्पना जी हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने भोजपुरी को अच्छा मुकाम दिया और अच्छा नाम दिया। भी इनका गाना को आप देखिए कहीं से भी, उनमें जो है ना आपको असली नहीं लगा, भोजपुरी एक मीठा शब्द लगा। यानी कि आप बोल रहे हैं कि जो भी कलाकार हैं वो असली लगा रहे हैं देवी और कल्पना को, उनके गाना को मैं इन गानों से तुलना करके बता रहा हूँ कि दोनों गाने को सुनने के बाद में आप कंपेयर कीजिए तो कौन गाना जो है रंग लाएगा, कौन सी जो गाना है वो अपना मकाम हासिल करेगा, किताब किस गाने को मिलेगी। भोजपुरी गानों में आपको देखा गया है और काफी आप एनर्जेटिक डांस करती हैं, वो आपके दिखे हैं जब भी आपके कोरियोग्राफर रहते हैं, आपको जो भी मूव देते हैं काफी अच्छे से करते हो। भोजपुरी लगातार आगे बढ़ रही है, तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप काम कर रही हैं आने वाले दिनों में आपको भोजपुरी के बाहर भी अगर काम मिले तो भोजपुरी की वही सभ्यता को आप आगे निखारेंगी और भोजपुरी को बड़ा ब्रांड बनाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। दिस इज मुस्कान वाली एंड माय फर्स्ट टाइम लाइक दिस लाइक फर्स्ट टाइम मैं इस एक साथ हम लोग एक इवेंट में आए हुए एंड मेरा जितना भी एनर्जी है मतलब लाइक बाली ग्रुप से है एंड जो भी हमारे टीम है जो भी हमारे साथ है आज, और हम सभी कोशिश करेंगे कि और भी अच्छा करें और भोजपुरी को बहुत ही ज्यादा निखारे, बॉलीवुड से भी आगे लेके जाए। और वीडियो डायरेक्टर साहब आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से ऑन द सेट चीजें होती है, तुरंत से मूव देने पड़ते हैं, स्टेप देने पड़ते हैं, इसके बाद आपके जितने भी कलाकार रहते हैं तुरंत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? कितना आसान रहते हैं, बहुत चैलेंजिंग रहता है, ऊपर से मौसम की मार भी रहती है, गर्मी धूप हर कुछ सहना पड़ता है, ये सब चीजें कैसे आप एंटिसिपेट करते हैं? एक्चुअली हैंडल करना तो मुश्किल होता ही है, चैलेंज वाली बात तो होती है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है स्टार कास्ट को या फिर हम लोग जैसे वीडियो डायरेक्टर को, मौसम से लेकर के डांस मूविंग से लेकर के ऐसे स्टेप्स भी देना होता है कि इसी वे में हो जाए और कम समय में बढ़िया काम करके दे, लोगों को पसंद आए, अच्छा लगे, उसमें थोड़ा वैकल्पिक से दूर करने की कोशिश करते हैं। जो गाने हम लोग को मिलते भी हैं डबल मीनिंग वर्ड वाले, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से फिल्माना चाहते हैं, पिक्चराइजेशन करना चाहते हैं वीडियो को, तो हम लोग की लगातार कोशिशें रहती हैं। सिटी में जाते जाते सवाल करेंगे, जैसा कि रतन जी ने बताया कि अपकमिंग प्रोजेक्ट में आप दिखने वाले हो, गाना लॉन्च हो गया है, गाने की क्या क्या बधाइयां देंगे और साथ ही जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे? जी नमस्कार, मैं एक्टर श्रुति सोनल और आप सभी के सलाम नमस्ते, और मैं इनके गाने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है और अच्छा लगा मुझे ये गाना सुन के, और ऐसे ही सब लोग को प्यार देते रहेंगे तो हमारे और हमारे सिंगर जी का और सर को, वैसे ही हमारा काम बढ़ते रहेगा। और मैं ये कहूँगी कि गाना बहुत अच्छा है, आप लोग इंजॉयमेंट कीजिए और अच्छे प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।